हेलो एवरीवन, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोग ठीक हो और आपकी ये साल आने वाली जो साल है वो बहुत ही अच्छी हो, आपकी सारी विशेष को इसमें पूरी हो और आप अपनी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, जो भी आपके एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से देना और एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करना, न्यू सब कुछ बिगनिंग से करना। अगर आप तक आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं की है तो कर दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। और CPO वाले बच्चों के लिए, CPO आने वाला है तो अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाओ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओ अपनी और अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाओ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। प्रैक्टिस सेट 11 है ये हमारा, वोकैब 1000 सीरीज़ का, जिसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो 10 प्रैक्टिस सेट भी देखी हैं आप। और CPO वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही वर्ड्स उठाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे, तो आप लोग तो ज़रूर देखिए सारी वीडियोस। और हम मार्च में हमारा CPO, उससे पहले हम अपना इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 11। सबसे पहला वर्ड है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है देर करना। डेली मैं लंगर में जब जब खाना खाता हूँ देर हो जाती है। तो लिंगर को आपने किसने किससे याद किया? लंगर से। आप इसको याद कर सकते हो, जैसे आप लोग लंगर में जाते हो तो वहाँ पे इतनी सारी भीड़ होती है ना, उसके कारण आपको क्या हो जाती है? लिंगर हो जाती है, यानी आपको डिले, यानी आपको देरी हो जाती है, यानी लिंगर यानी देर करना डेली। तो आप लिंगर को लंगर से याद रख सकते हो। जब हम जाते हैं लंगर में खाना खाते तो हमें क्या हो जाती है? लिंगर हो जाती है, यानी देरी हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है डरावना, कॉजिंग हॉरर और डिस्गस्ट, एबोमिनेबल। ग्रीस ने पूरे मुंह में ग्रीस लगा रखा है जिसके कारण वो बहुत डरावना लगता है। ग्रीस नाम का कोई लड़का है जिसने अपने पूरे मुंह पे क्या लगा रखा है? ग्रीस। ग्रीस तो आप लोग जानते होंगे, बहुत येलो येलो सी होती है जो वैसी उसमें साइकिल वगैरह में लगाई जाती है, तो वो ग्रीस होती है। उसने अपने मुंह पे ये लगा रखी है ग्रीस, तो वो ग्रीस को लगा के ग्रीस कैसा लग रहा है? बहुत ही ग्रीसली लग रहा है, यानी बहुत ही डरावना लग रहा है। तो ग्रीसली को आप किससे याद रख सकते हो? ग्रीस से। तो ग्रीस ने अपने मुंह पे ग्रीस लगाई हुई है जिसके कारण वो क्या लग रहा है? बहुत ही ग्रीसली लग रहा है, बहुत ही डरावना लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है अस्वस्थ या फिर अनहेल्दी। राजेश मॉर्बिड लगा लगा कर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है। बिट का मतलब होता है बोली लगाना। अब अगर आप बहुत ज़्यादा बोली लगाओगे, यानी आप हर चीज़ की, अपने घर की बोली लगा दोगे, अपने व्हीकल्स की बोली लगा दोगे, सारा सामान बोली में आप दे दोगे, तो आप लोग क्या हो जाओगे? मॉर्बिड हो जाओगे, यानी अस्वस्थ हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे। जब आपके पास लैक ऑफ मनी होगी तो आप लोग अनहेल्दी होने लगोगे, क्योंकि आजकल तो आप लोग जानते हो मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो मॉर्बिड, इसको आप कैसे याद रखो? मॉर्बिड यानी ज़्यादा बोली लगा लगा क्या हो गया है? वो मॉर्बिड हो गया, यानी अनहेल्दी हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का मतलब होता है निंदा करना, टू एब्यूज और सेंसर। V2 टिक्की वाला पे रेट ज़्यादा है इसलिए सब उसका घोर निंदा करते हैं। V2 है कोई टिक्की वाला, वो बहुत ही रेट, उसके जो अपनी चीज़ें बेचता है बहुत ही रेट, उसके रेट बहुत ही ज़्यादा है, तो सब इसलिए उसकी क्या करते हैं? विटुपरेट करते हैं, यानी उसकी निंदा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सेंसर करते हैं। तो विटुपरेट को आप लोग कैसे याद रखोगे? जो V2 है टिक्की वाला, उसके रेट क्या कैसे बहुत ही ज़्यादा है, तो सब लोग इसके क्या करते हैं? विटुपरेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है भयानक, डरावना। ग्रीसली। ग्रीसली तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो मैकेबर को आप कैसे याद रखोगे? आप उसको याद रखो कब्र से। सपने में अपने आप को मैंने कब्र में देखा, यह एक ग्रीसली भयानक सपना था। यदि आप अपने आप को सपने मरा हुआ देखो, किसी कब्र के अंदर देखो, तो आप लोग कैसा फील करोगे? एकदम मैकब्र, यानी भयानक फील करोगे, आप लोग डर जाओगे। तो इसको आप कब्र से याद रख सकते हो, मैंने आपको कब्र में अपने आप को कब्र में देखा, तो मैं क्या हो गया, मैं बहुत ही भयानक सपना देखा, बहुत ही डरावना सपना देखा मैंने। नेक्स्ट वर्ड है मशीनेशन। मशीनेशन का मतलब होता है षड्यंत्र, इंट्रीग। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन में बैंक वालों ने चालबाजी से नकली नोट डाल दिए। तो ATM में क्या हुआ? ATM में बैंक वालों ने क्या हुआ? चालबाजी से कैसे नोट डाल दिए? नकली नोट डाल दिए। तो उस मशीन में क्या हुआ? मशीनेशन हो गया, यानी उस मशीन के द्वारा मशीनेशन यानी षड्यंत्र रचा गया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं केबल। केबल का मतलब होता है अनावश्यक रूप से शिकायत करना, टू मेक अनरीजनेबल कंप्लेंट।
जो अपने आप को काबिल समझते हैं वो दूसरों के बारे में अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस कंप्लेंट्स करते रहते हैं। तो जो लोग अपने आप को ज़्यादा काबिल समझते हैं वो लोग समझते हैं कि दूसरे लोग तो कुछ है ही नहीं, वो दूसरों को अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं। तो जो लोग अपने आप को काबिल समझते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, अनावश्यक रूप से शिकायत करते हैं यानी उनकी कैबिल करते हैं। तो कैबिल को आप काबिल से याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बोलस्टर। बोलस्टर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बोल सिस्टर बोल सिस्टर बोल सिस्टर बोल बोल के आप अपने सिस्टर को क्या कर रहे हो, बोलस्टर कर रहे हो यानी मजबूत कर रहे हो, बेहतर बना रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, बोलस्टर को, बोल सिस्टर बोल सिस्टर बोल सिस्टर करके हमने सिस्टर अपने सिस्टर को क्या किया, बोलस्टर किया यानी मजबूत बनाया, उसको बेहतर किया, फोर्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड है बूरिश। बूरिश का मतलब होता है गवार, असभ्य, अनकाउत कोर्स। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, बुरे लोगों का व्यवहार भी बुरा गवार जैसा होता है जो बुरे लोग होंगे। तो आप बूरिश को कैसे याद रखोगे, बुरे बुरे लोग कैसे होते, बहुत ही बूरिश होते, बहुत ही गवार होते, असभ्य होते हैं। तो आप बूरिश को बुरे से याद रख सकते हो। बाउडी। बाउडली का मतलब होता है अश्लील, ऑप्सीन या फिर इंडिसेंट। इसको याद करने की ट्रिक कैसे, ये देखते हैं यहाँ से। तो इसको याद रखो, गया बॉडी एक्सपोज करना अश्लील, अश्लील यानी इंडिसेंट काम है। तो आप बॉडी को कैसे याद रखोगे, बॉडी से, बॉडी एक्सपोज करना कैसा काम है, बहुत ही बाउडी काम है यानी एक अश्लील काम है, इंडिसेंट काम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बैम्बूजल। बैम्बूजल का मतलब होता है धोखा देना, टू ट्रिक और कन्फ्यूज। सारे बैम्बू जल में छुपा कर उसने मुझे धोखा दिया। उसने सारे बैम्बू क्या किए, जल में छुपा दिए। उसमें आधे बैम्बू मेरे थे आधे उसके, तो उसने क्या किया, बैम्बू सारे उठाए और जल में छिपा दिए। तो उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ बैम्बू जल किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। तो बैम्बू जल को आप ऐसे याद रख सकते हो, उसने सारे बैम्बू किसमें, जल में छिपा दिए और मेरे साथ क्या किया, बैम्बू जल किया यानी धोखा दिया मुझे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सैंग्यून। सैंग्यून का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। तेरे संग वाइन पीने के बाद मैं भी आशावादी हो जाता हूँ, हर चीज़ संभव लगने लगती है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तेरे संग रह के मैं भी क्या हो गया हूँ, मैं बहुत ही सैंग्यून हो गया हूँ, बहुत ही आशावादी हो गया हूँ। तू भी इतना आशावादी था, मैं तेरे संग संग रहा और मैं कैसा हो गया, मैं भी बहुत सैंग्यून हो गया यानी आशावादी हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना या फिर सेटिस्फाई। दिल्ली में ग्रेट वाईफाई होने के कारण हम सब लोग सेटिस्फाइड हैं। दिल्ली का वाईफाई जो कि बहुत ही अच्छा वाईफाई है, ग्रेट वाईफाई है, तो इसलिए हम लोग क्या हैं, बहुत ही ग्रेटिफाई हैं यानी बहुत सेटिस्फाई हैं। तो आप ग्रेट वाईफाई से याद रख सकते हो ग्रेटिफाई को। ओके नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है अत्यंत गरीब, वेरी पुअर या फिर पॉपर। मैं इंडियन जेंट हूँ इसलिए पॉपर हूँ। आपने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर गरीबी है, बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो इंडिया के जेंट है वो बहुत ही क्या है, बहुत सारे जेंट इंडिया के इंडिजेंट हैं यानी अत्यंत गरीब हैं यानी बहुत ही पुअर हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्लैबरगास्ट। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है हैरान करना, शॉक, सरप्राइज। इस फल का फ्लेवर गेस्ट को सरप्राइज कर देगा। हम ऐसा फल लेके आए हैं अपने घर में अपने गेस्ट के लिए, जब वो उसको खाएंगे तो उन्हें वो फल क्या कर देगा, फ्लेवर गेस्ट कर देगा यानी बहुत ही हैरान कर देगा। वो लोग सोचेंगे आज तक हमने ऐसा फल कभी खाया ही नहीं है। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो इस फल को खा के क्या हो जाएंगे, बहुत ही फ्लेवर गेस्ट यानी हैरान रह जाएंगे। तो फ्लेवर गेस्ट का मतलब क्या होता है, हैरान करना या फिर शौक या फिर सरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट यानी इसको फॉरगेट ना किया जा सके, इसको रिमूव भी नहीं किया जा सकते, वो तो है इनडेलिबल। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, इन शब्दों को डेली बलपूर्वक बोल बोल कर पढ़ें, इन्हें भूलना मुश्किल होगा। जैसे कि अब हम लोग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, एक तो ये चीज़ है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक चीज़ है आप लोग खुद से भी इन सब चीज़ों को पढ़ो। जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी वैसे देखो इन सारे वर्ड्स को और मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करो, वीडियो को पॉज करो, वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करो। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, अगर आप इन वर्ड्स पर बल लगाओगे, अगर आप इन वर्ड्स पर क्या लगाओगे, बल लगाओगे, तो आप लोग क्या हो, इनडेलिबल ये सारे वर्ड से आपके लिए क्या हो जाएंगे, इनडेलिबल हो जाएंगे यानी इम्पॉसिबल टू रिमूव और इम्पॉसिबल टू फॉरगेट यानी आप इनको भूल नहीं पाओगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है नीचता या फिर भ्रष्टता, जिसको हम बोल सकते हैं डिप्रेविटी। इसके ट्रिक देखते हैं, एक्सीडेंट के दौरान तड़पी तू, रोड पर कुछ लोगों की नीचता और पुलिस वालों की भ्रष्टता के कारण। तड़पी तू, इसको टर्पिट्यूड को कैसे याद रखें, तड़पी तू, तू तड़पी, जैसे एक्सीडेंट तेरा हो गया, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा एक्सीडेंट हो जाता है, लोग देखते रहते हैं, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे एक्सीडेंट के दौरान तड़पी तू, रोड पर कुछ लोगों की नीचता और पुलिस वालों की भ्रष्टता के कारण। तो तड़पी तू उन लोगों की टर्पिट्यूड के कारण, यानी नीचता के कारण, भ्रष्टता के कारण, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है बंधन मुक्त करना या फिर मैन्यूमिट। ये मानसी पेट के दर्द से मुक्त हो गई। ये मानसी है, इसके पेट में बहुत दर्द हुआ करता था, ये बोलती थी मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, लेकिन अब क्या हो गया, इसका पेट का दर्द बिल्कुल सही हो गया, इसलिए अब ये क्या हो गई, इमेंसिपेट हो गई, यानी बंधक मुक्त करना। इमेंसिपेट को आप मानसी के पेट से याद रख सकते हो, ये मानसी पेट के दर्द से मुक्त हो गई, यानी इमेंसिपेट हो गई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेलेसियस। सेलेसियस का मतलब होता है अश्लील, सजेस्टिव, तो इसको आप याद कैसे रखोगे, मैं साली साला से अश्लील बातें नहीं करता हूँ, मैं अपने साली साला से कैसी बातें नहीं करता, बिल्कुल भी सेलेसियस बातें नहीं करता, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध या फिर डेड लॉक, इसे हम कह सकते हैं। अब आई एम पास, यानी अब मैं पास हो गया हूँ, इसलिए अब शादी को लेकर कोई गतिरोध यानी डेडलॉक नहीं होगा। अब पहले मैं पास नहीं हुआ था ट्वेल्थ क्लास में, तो सभी लोग क्या बोलते थे कि अब तो इसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो पास ही नहीं हुआ है, तो अब लेकिन मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं पास हो गया यानी आई एम पास, तो अब मुझे कुछ भी शादी करने के लिए क्या नहीं होगा, इम्पास नहीं होगा यानी गतिरोध नहीं होगा, यानी कोई भी गतिरोध नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सबसे पहला वर्ड है हमारा लिंगर। लिंगर का मतलब मैंने क्या बताया था, लंगर में हमें क्या हो जाती है, लिंगर यानी देर करना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा जे, यानी डेली। डेली का मतलब भी होता है देर करना। मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब अस्वस्थ है, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनहेल्दी यानी एच। मैकेबर, मैकेबर यानी भयानक या फिर डरावना, इसका हो जाएगा ग्रीसली। कैविल, कैविल यानी अनावश्यक बातों पे क्या करना, शिकायत करना, देन इसका क्या होगा, क्विबल, क्विबल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वर्ड है बोस्टर। बोस्टर का मतलब क्या बताया था, क्विबल का मतलब आप लोगों को पता है ना, वही होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत बनाना या फिर बेहतर बनाना, इसका हो जाएगा, इसका होगा बटरेस। बटरेस का मतलब भी होता है मजबूत करना। बैम्बूजल, बैम्बूजल मतलब होता है धोखा देना, देन इसका, इसका हो जाएगा बैम्बूजल मतलब हुडविंग हो जाएगा। हुडविंग का मतलब भी होता है चालाकी करना या फिर ठग लेना किसी को, तो ये किसी का, इसका सिनोनिम हो जाएगा बैम्बूजल का। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का देखते हैं कौन सा होगा, सेवेंथ, सैंग्विन का मतलब बताया था आपको आशावादी, मैं तेरे संग रह के क्या हो गया हूँ, सैंग्विन हो गया उन्हें आशावादी, तो ये रहा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा इसका। इंडिजेंट, इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट, कैसे इंडिजेंट है यानी गरीब है, यानी कैसे पॉपर हैं, तो इसका हो जाएगा डी। टर्पिट्यूड, टर्पिटू इन लोगों के, किसके टर्पिट्यूड के कारण, यानी इनकी नीचता, इनके भ्रष्टता के कारण, देन इसका हो जाएगा डिबेसमेंट, डिबेसमेंट। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट यानी मुक्त, बंधन मुक्त होना, देन इसका बचा होगा लिबरेट, बचा हुआ ये इसका हो जाएगा। तो ये थे हमारे पहले 10 सिनोनिम्स, अब देखते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स अपने। पहला वर्ड है हमारा ग्रीसली। ग्रीसली का होगा यानी भयानक या फिर डरावना, इसका हो जाएगा एबोमिनेबल। विटुप्रेट, 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 इसका हो जाएगा विटुप्रेट यानी निंदा करना, इसका हो जाएगा सेंसर। मैसिनेशन यानी षड्यंत्र, इसका हो जाएगा इंट्रिग, इंट्रिग होगा ना इसका, हाँ जी। बुरिश यानी गवार, यानी जो गवार हो, तो इसका कौन सा होगा, इसका हो जाएगा अनकाउत। बाउडी, बाउडी, बाउडी माने अश्लील, देन इसका हो जाएगा ऑप्सीन। ग्रेटिफाई, ग्रेट वाईफाई, ग्रेटिफाई, देन इसका हो जाएगा सेटिएट। सेटिएट का मतलब भी होता है सेटिस्फाई, तो इसका ये सिनोनिम हो जाएगा।
फ्लेबर गाफ्ट यानी हैरान करना, इसका कौन सा होगा? इसका होगा ये एस्टोनिश का मतलब भी होता है आश्चर्य कर देना, हैरान कर देना। इनडेलिबल यानी जिसे मिटाया ना जा सके, इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनएरेडिकेबल। एंड इनडेलिबल के बाद क्या है? सेलेसियस। सेलेसियस का भी लेसीवियस हो जाएगा यानी अश्लील। एम्पास, इम्पास का मतलब बताया था आई एम पास यानी अब कोई भी डेडलॉक नहीं आएगा यानी गतिरोध नहीं आएगा, तो उसका हो जाएगा बी। तो ये थे सिनोनिम्स, अब चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। ये हमारे एंटोनिम्स, तो सबसे पहला देखते हैं बाउडी। बाउडी का मतलब क्या बताया था मैंने? अश्लील। देन इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। देन इसका हो जाएगा जी। एंड नेक्स्ट है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट इसका हो जाएगा, विट्यूपरेट का कमेंड यानी प्रशंसा करना। विट्यूपरेट का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। देन इसका हो जाएगा कमेंड, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। मॉर्बिड यानी अनहेल्दी, तो इसका हो जाएगा हेल्दी यानी आई। एंड मैकेबर यानी डरावना, तो इसका हो जाएगा एनचेंटिंग। एनचेंटिंग का मतलब होता है जो अच्छा होता है, जो मोहक होता है, इसका एंटोनिम ये हो जाएगा। बोस्ट यानी मजबूत यानी बेहतर करना, इसका हो जाएगा इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है या फिर किसी चीज़ को बिगाड़ना या फिर हानि पहुंचाना। बूरिश यानी गवार, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका इसका पता नहीं कौन सा होगा, जो लास्ट में बच जाएगा वही हो जाएगा। पहले और देख लेते हैं हम। सेंग्यून, सेंग्यून यानी मैं तुम्हारे साथ रह के क्या हो गया हूँ? सेंग्यून हो गया हूँ यानी आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक, तो इसका हो जाएगा पैसिमिस्टिक निराशावादी। इंडिजेंट यानी गरीब, इसका हो जाएगा एफ्लुएंट यानी धनी। एंड फ्लेवर गस्ट यानी हैरान कर देना। देन इसका कौन सा हो जाएगा? एक्सपेक्ट। एंड इनडेलिबल, जिसे मिटाया ना जा सके, इसका हो जाएगा, इनडेलिबल का हो जाएगा बी, पेरिशेबल। तो बचा कौन सा हुआ है हमारा? सोफिस्टिकेटेड बचा हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। तो ये थे आज के हमारे कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और हमने 20 वर्ड्स भी देखे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कैसी लगे वर्ड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।